हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत इश्क का बिल्कुल नया नया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, 130 करोड़ तो लूडो खेल के हुए हैं। ऑनलाइन प्यार मोहब्बत का ऑनलाइन, अब ठीक है? सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो यार, जिन्होंने रिप्रोडक्शन चैप्टर भी आउट ऑफ डेस्परेशन पढ़ा था ना, अब इस लॉकडाउन के क्षण में वो लोग ये कर रहे हैं। हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। जूम करना थोड़ा जूम। हमारे देश के युवा इतने ज्यादा अकेले हैं। हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, ये जानने के लिए 22.4 लाख सब्सक्राइबर्स। हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल ऑन चैट। हम जैसे यूट्यूबर क्या करें फिर, जैसे भी की खुदाई। ये लो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे IIT JEE NEET IAS YS बनने के लिए, यही तो आता होगा। ये छोड़ो, कमेंट बॉक्स तक में इनका प्यार देखो। सर, लड़की को कैसे हम हाई लेवल एटीट्यूड दिखाएं, प्लीज वीडियो बनाएं इस पर। ब्रो, मेरी GF से बात हुई, 6 महीने हो गए हैं विदाउट एनी रीजन, क्या करूं? थैंकू ब्रो, आपकी कृपा से क्रश सेट हो गई, लव यू ब्रो। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। कहीं कोई जगह छोड़ दियो तुम लोगों ने तो बता दो, वहीं जाके मुंह छुपा ले हम अपना। रिलेशन वो हो जिस पर नाच हो, जितना भरोसा कल था उतना ही आज हो। रिलेशन वो नहीं जो सिर्फ सुख और दुख में साथ देते हैं, रिलेशन तो वो है जो अपनेपन का एहसास दे। बने फिर रहा है, नहीं मतलब इनके शायरी सुन के तो मिर्जा गालिब भी कब्र से निकल के बाहर आके ये बोलेंगे, अब मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इनकी उम्दा शायरी से लड़के फटे या ना फटे, लेकिन अपना सर जरूर फोड़ लेगी। अरे, प्यार की निशानी के लिए बनाया होगा शाहजहां ने ताजमहल, पर इन मोन्यूमेंट्स को नैन मटक्के का केंद्र तो हम लोगों ने बनाया है। अब लोग यहाँ पे हिस्ट्री देखने कम और फ्यूचर प्लानिंग करने ज्यादा जाते हैं। What? अब इन खतरनाक प्राणियों के हाथ आ गया है सोशल मीडिया का हथियार। सोशल मीडिया आशिक, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एंटायर ग्रेजुएशन इन प्यार बॉलीवुड से की है। पहले प्यार घरों की छत पे हुआ करती थी और अब बिस्तर के अंदर सोशल मीडिया पे हुआ करती है। मेला बाबू क्या कर रहा है, मेला बाबू नहाया, मेला बाबू अच्छा, मेला बाबू प्याला, मेला बाबू खाया। अबे ये भी पूछ लो ना, मेरे बाबू ने हगा। अबे बहुत लोग पूछते हैं ये भी। इस दुनिया से विश्वास उठते जा रहा है मेरा। अब यार, मैं इन कपल्स को रोस्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कपल है सारे क्रिंजी ही हैं। लव इज रियल ह्यूमन इमोशन। और कितना अच्छा होता ना यार, इस कोरोना के टाइम पे कोई होता दुख बांटने के लिए, फिक्र करता हमारे, जिससे हम हमारी सारी बात कर सकते। माना कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं एक सीक्रेट बता सकती हूँ, सुनो। Happn एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप है जहाँ पे आप 90 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस के अंदर किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन बात किससे करोगे? अरे उसी से यार, जिसकी प्रोफाइल देख के तुम्हारा दिल उस पे आ जाए, बस लाइक सेंड कर दो, और अगर सामने से भी लाइक बैक आया तो यू गेट अ क्रश, और बधाई हो, आप सिंगल नहीं मरोगे। फिर क्या, बातचीत शुरू करो, टेक्स्ट वेक्स्ट करो। लेकिन एक मिनट, सिर्फ टेक्स्ट करके बोर नहीं हो जाएगा थोड़ा यार? तो इसी वजह से हैपन का बेस्ट फीचर है वीडियो कॉलिंग का। वीडियो कॉल करो और जिसके ऊपर आपका दिल आया है नाच गा के इंप्रेस करो। यार कैसी बात कर रहे हो, सिंगल मत मरना बस। तो इंतजार किस चीज का यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो, आपको भी हक है बाबू सोना करने का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जरा बाबू को मैसेज कर दूं खाना खाया या नहीं। दीदी रोड पे ध्यान दे लो, पिताजी की प्राइवेट प्रॉपर्टी मत समझो। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपके पापा टेररिस्ट है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आप बॉम्ब लग रही हो। अबे साले। हाँ भैया, DNA जैसा थोड़ी कुछ होता है, बाप की पटाखे की दुकान में तो हो सकती है।
जगह खाली पड़ी है, पर नहीं, दीदी को लड़के में टकरा के जाना है, दीदी को लड़के में घुसे जाना है और दीदी को लड़की को थप्पड़ भी मारना है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन इनका वाला तो मोतियाबिंद निकला। नहीं मतलब लड़का इतना चौड़ के खड़ा है, फिर भी यार ये लड़की है या टाटा सुमो जो भगी भगी आके भिड़ गई। जा पूछ क्या। बोला था ना भाई, जिस दिन गर्लफ्रेंड बनेगी भंडारा करवा दूंगा। भंडारा बन गई, देख लो कैसी है। जिस उम्र में तुम्हें कच्चे का नाड़ा बांधने तक में मौत आया करती थी, उस उम्र में ये भाई गर्लफ्रेंड बनाने की टेंशन ले रहा है। और भाई गर्लफ्रेंड से ज्यादा ना तुझे पौष्टिक आहार की जरूरत है, थोड़ा खाया पिया कर। और ये यहाँ पे ये पीटी उषा भगी भगी आए, भैया ने उनको पानी ऑफर किया, फिर भैया उनको पानी पीने से रोक रहे हो, और अब ये क्या भैया कुर्सी बन गए। नहीं खुद खड़े होकर पानी पी रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की है भैया, वो खड़े होकर पानी क्यों पिएगी। छपरा छपरे स्पॉटेड। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक लड़का और लड़की खड़े होकर बात कर रहे थे, लेकिन एक लड़की बाइक लेके आया, बूम बूम किया और लड़का उसके साथ बैठ के निकल गया। लेकिन एक मिनट, हमें पता है लड़कियों को चुल मची रहती है जूते घस के बाइक रोकने की, और इसी वजह से कुछ लड़कियां बदनाम है। खैर, दिमाग और ब्रेक जैसे यंत्र का प्रयोग तो आप नहीं करती, पर स्टैंड जैसे यंत्र का प्रयोग तो आप कर सकती थी। सुनना, तू मुझसे कितना प्यार करता है? इतना प्यार करता हूँ कि टीवी पे कोई ब्रेकअप वाला सीन देख लो ना तो डर लगता कि तू मुझे छोड़ के ना चले जाए। और इनका ये इश्क मोहब्बत प्यार सोशल मीडिया तक ही सीमित है, अगर बाहर निकल गया ना तो इनके पिताजी इनकी गा ना तोड़ दें, इसीलिए भैया तुम बच के रहना। ओके। हाँ दीदी का दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, एक साथ सबको चाहती है दीदी। It's her choice. मारे साले का खोपड़ी तोड़ साले का। राग बदूर की रंसे, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। माना की गाना बहुत अच्छा था, लेकिन आपने जो अभी देखा वो काल्पनिक है और विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया है। अरे हक चाहिए था तो ऐसे ही मांग लेता, ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी, और ये कौन सा हार्ट अटैक है भाई जो हाथ जोड़ने से ठीक हो रहा है। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। तुम हमारे हो बस हमारे, तुम हमारे हो बस हमारे, अब इसे मोहब्बत समझो या कब्जा, डाली जो तुम पे किसी ने नजर तो मैं दुनिया हिला दूंगा। कोई सेंस है इस बात मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। पहले तो यार ये समझ नहीं आया, ये अपनी बंदी को धमका रहा है या प्यार के अल्फाज बोल रहा है। और भाई पहले खुद तो सीधा खड़ा हो ले, बाद में दुनिया हिला लियो। दुनिया है। कुछ भी कुछ भी। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में हैपन के लिंक दी हुई है, डाउनलोड कर लो, नए नए दोस्त बनाओ यार। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जाके प्लीज फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली।